आगे पीछे की बातों का मुझे नहीं पता है केटी, लेकिन केटी सच तेरी आंखों के सामने है। तू आंखों देखो को अनदेखा कैसे कर सकता है? मॉम, आंखों देखी कानों सुनी बात झूठ हो सकती, लेकिन दिल से महसूस की हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। मेरा दिल कहता है कि प्रीति जी झूठ नहीं बोल सकती है। मैं प्रीति जी पर आंखें मूंद कर भरोसा कर सकता हूं। शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, और मैं ये भरोसा हमेशा बनाए रखूंगी। गिरी जी, सिर्फ बातें नहीं, सबूत चाहिए मुझे। साबित करो कि तुम्हारे बेटे ने चोरी नहीं की। मैं जरूर साबित करूंगी। चिड़ी जी, हार ये हार मैं तभी लूंगी जब तुम सच साबित कर दोगी। रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। दर्द होता है मुझे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ बैठो। जान पूछ के अपने पैर में चोट लगा है कि फ्रैक्चर कर लिया। यूके जाना तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और तुमने उसे जाने दिया। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा था ना कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। मैंने अपने करियर और प्यार में से तुम्हें चुना ही नहीं, अब तो नाराज नहीं होना। तुम क्या पागल हो क्या तुम? मैंने वो जो भी कहा था ना, वो सब गुस्से में था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और अगर तुम यूके चली भी जाती तो मैं तुम पे शक थोड़ी नहीं करता। ये बात अलग है कि तुमसे दूर रहना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन प्यार का मतलब एक दूसरे का साथ देना है, ना कि एक दूसरे को सपनों से दूर रखना। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि तुमने मेरी वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। I'm sorry. नहीं नील, सॉरी मत बोलो। ये बातें बोलकर तो तुमने मुझे अपने प्यार पर भरोसा दिलवाया है, गर्व महसूस करवाया है। तो प्रॉमिस करो, प्रॉमिस मी कि जब तुम्हारे पास फिर से अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम उसे जाने नहीं दोगी। I promise. वैसे मुझे पता है अगर तुम्हारे सामने भी दो रास्ते हुए जहां तुम्हें मुझे या किसी और में से किसी एक को चुनना हो तो तुम मुझे ही चूज करोगे, है ना? Of course. मैं वादा करता हूं। आपने बुलाया भाभी? आओ स्नेहा बैठ। गुड मॉर्निंग मैम, आपने घर बुलाया था? हाँ। तुम एक काम करो, तुम पर्सनली राजविलास पैलेस रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करो। नील के रिश्ते की बात करने जाना है। बहुत खानदानी लोग हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम सच भाभी
नील के रिश्ते के बाद? हाँ, महेश्वरी इसका सामने से रिश्ता आया है। और तुम जरा ध्यान रखना, ये सारी तैयारियां हमारी हैसियत के हिसाब से करनी है। इसमें कहीं भी तुम्हारी सोच या तुम्हारा मिडिल क्लास तजुर्बा हमारी तैयारियों के बीच नहीं आना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी माँ ने इस शहर का सबसे अमीर खानदान का वारिस मेरे बेटे को फंसा के जबरदस्ती शादी तो कर दी, वरना इस उम्र में उसे इससे अच्छा पति कहाँ मिलता। इसलिए हम नील की शादी एक खानदानी घर में ही करेंगे, क्योंकि इस घर में आने वाली पीढ़ी हम खानदानी खून की देखना चाहते हैं, जिसमें कोई कमी नहीं होगी। अच्छा भाभी, कितने बजे जाना है? मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। कहाँ जाना है? अब आपने कहा ना, महेश्वरी से मिलने जाना है, नील के रिश्ते की बात करने। मैं तो नील की माँ हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, सारे फैसले हम लेते हैं, भूलो मत। पहली मुलाकात मैं खुद करूंगी, बात ठीक लगी तो बात आगे बढ़ेगी, तब तुम मिल लेना। मैं भीड़ ले जाना नहीं चाहती। हाँ, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो, और मैंने जो कहा उसे याद रखना। तिल पापड़ी? जी हाँ, ताजा ताजा गर्मा गर्म आपके लिए तिल पापड़ी। प्रीति जी, ये देखिए, है ना कमाल। बैठी 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 बैठी। केटी जी, ये तिल पापड़ी आपने मंगवाई? हाँ, खाइए तो सही। लेकिन आपको पता है ना, बचपन में जो जूही के साथ हादसा हुआ, उसके बाद ना मैं तिल पापड़ी बनाती हूँ ना खाती हूँ। जूही अब तो ठीक है ना? मतलब उस हादसे के बाद अब ठीक है ना जूही? हाँ, आप भी ठीक है? हाँ किटी जी। हाँ, तो फिर तिल पापड़ी भी ठीक ही होगी ना प्रीति पाटना। प्रीति जी, इससे गलती हो गई बरसों पहले, अब उस गलती की माफी तिल पापड़ी को दे दीजिए। वैसे भी कहते हैं कि जो चीज दिल को बहुत अजीज हो, जो प्यारी हो ना, उसे अपने आप से बहुत दूर नहीं रखना चाहिए, नाइंसाफी होती है दिल के साथ। तो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। लीजिए तिल पापड़ी, आपकी फेवरेट, खाइए खाइए, गारंटी देता हूं ऐसी तिल पापड़ी आपने आज तक नहीं खाई होगी। है ना कमाल की, वर्ल्ड बेस्ट है ना? हाँ, बस एक कमी है। कम? कैसी कमी? वो मुझे लगता है कि ज्यादा कुरमुरा है, ये तिल ज्यादा भुन गया होगा। जहां से आपने मंगवाई है ना, उसे जाकर बता दीजिएगा। मैंने तो रेसिपी देख के बनाया था। ये आपने बनाई केटी जी? नहीं बताना था आपको, सरप्राइज था आपके लिए। वो आपने उस दिन दिखाया था ना एल्बम में, और जो स्टोरी बताई थी ना जूही की, उसके बचपन की, उसका जो हाथ चल गया था, मैंने सोचा आप प्रीति जी के लिए इतना खरीद सकता हूँ ना, तो अपने हाथों से बनाई है मैंने। प्रीति जी, रो क्यों रही हैं आप? सॉरी, इतनी बुरी लगी आपको? नहीं नहीं, वो आज के बाद नहीं बनाऊं। आपने आज का दिन बहुत खास बना दिया केटी जी। आज तक मेरे लिए किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आज का ये दिन हमेशा याद रखूंगी। I'm glad, प्रीति पाटना। लेकिन सच तो ये है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है जितना कभी किसी ने मेरे लिए नहीं किया है।
सच आपने मेरे इतने सारे दिन स्पेशल बनाए हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। बस आज से एक बात का ध्यान रखूंगा, दिल इतना ज्यादा भुनूंगा नहीं, वो क्या है कुरमुरा आपको ज्यादा पसंद है ना। टेस्ट नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स। ये लीजिए आपके हाथ की बनी हुई तिल पापड़ी। लाजवाब, मेरे लिए तो एकदम मस्त है, है ना? एकदम मस्त। यही सही मौका है। हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे घर से बहुत ही कीमती हार चोरी हुआ है जी। उसका बॉक्स मेरे पास है तो मैं उसे लैब टेस्ट के लिए भेजना चाहती थी। मतलब उस पर लगे जितनी भी उंगलियों के निशान है ना, उससे पता लगा सकते हैं किसने चोरी की है। जी जी, मैं अभी भेजती हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। उस बॉक्स पे तो मॉम की उंगलियों के भी निशान है, इसका मतलब मॉम फंस जाएगी। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। इंटरनेट पर लिखा है कि इस सॉल्यूशन से फिंगरप्रिंट गायब हो जाएगी। आई होप इट वर्क्स। तुम ही थे ना जो तरुण के पास गए थे अपनी दादी का हार लेकर? लोन मांगने गए थे ना? झूठ मत बोलना अर्जुन। अगर जो मैं कह रही हूं वो सच नहीं है तो तुम्हें यहां उंगलियों के निशान मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। सच बताओ। हाँ, मैं ही गया था। मैंने ही चोरी की थी और तरुण के पास भी मैं ही गया था। जानती थी मैं। अब वजह भी बता दो, क्यों गए थे? क्योंकि मैं आपसे नफरत करता। केटी पा हमेशा आपकी साइड ज्यादा लेते, हमेशा आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। इसलिए मैं चाहता था कि आपको पा की नजरों में गिराऊं और आपको फंसाऊं। आप नहीं होगी तभी मेरी फैमिली कंप्लीट होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि पा भी आपसे नफरत करे। क्या करे पा? What a pleasant surprise. क्या वो कुछ नहीं, कल इसका कॉलेज शुरू होने वाला है ना, तो इसीलिए उसकी टाइमिंग और बाकी डिटेल्स के लिए पूछ रहा था। समझ गए ना तुम? और प्रिंसिपल से जरूर मिल लेना। हाँ हाँ, कॉलेज की बात चल रही है। हाँ, मुझे लगा कोई गंभीर विषय में चर्चा चल रही है। क्या गंभीर? मैं क्या गंभीर बात करूंगी अर्जुन से? ऐसी कोई बात नहीं है केटी जी। पक्का ये बात हो रही थी ना? Good. Excuse me. ये क्या है? ये शीशे साफ करने वाली सॉल्यूशन है।
बहुत गंदगी फैल गई थी तो सोचा कि मैं थोड़ा साफ कर लूं। ठीक है। हेलो। अर्जुन, मैंने केटी जी को सच्चाई इसलिए नहीं बताई कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मैंने उनसे सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। अर्जुन, तुम्हारे पापा तुम पर भरोसा करते हैं और एक बार किसी का भरोसा टूटता है ना तो पूरी जिंदगी लग जाती है उसे जोड़ने में। और सबसे बड़ी बात अर्जुन, पता है क्या है? तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। अगर तुमने कुछ भी किया ना, कुछ भी गलत, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। तुम खुद सोचो ना, वो तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हें इतना बड़ा परिवार मिला, तुम्हारे पा मिले, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिलता है तुम्हें यहाँ पर, किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर क्यों तुम अपने पापा को दुखी कर रहे हो? क्यों उनका दिल तोड़ना चाहते हो? अर्जुन, 17 साल बाद तुम्हें ये खुशियां मिली है ना, हाँ? तो ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे ये सारी खुशियां तुम गवा बैठे। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारे पा को दुख पहुंचे। प्लीज अर्जुन, अर्जुन ने खुद ये बात कबूल की है कि वही दर उनके पास हार लेके गया था। फिर नंदिनी ने झूठ क्यों कहा कि अर्जुन पूरा दिन उसके साथ था? क्या उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे नहीं पता? कहीं वो खेल तो नहीं खेल रही मेरे साथ? मैंने नंदिनी पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं करती? मुझे पता करना ही होगा। नंदिनी के दिमाग में क्या चल रहा है? मॉम, एक मिनट आइए ना। हाँ आई। उम्मीद है हमारा प्लान काम कर गया होगा। क्या केटी जी ने मेरी सास को खुद धक्के मारकर बाहर निकाला या नौकरों से सामान बाहर फेंकवाया? मुझे सब जानना है। और अब तो आप वापस उस घर की बहू बन गई होगी जैसा आप चाहती थी। रति, इसका मतलब नंदिनी और रति ने साजिश रची और तरुण का भी इस्तेमाल किया?
दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ प्लान, इसका मतलब नंदिनी मेरे सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है। वो केटी जी से माफी नहीं मांगना चाहती, उसमें या उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। ये वही नंदिनी है, दूसरों को गिराना, दूसरों का बुरा सोचना, सत्रह साल बाद वापस आई क्यों है, क्या मकसद हो सकता है इसका? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।